equal to 0 and time start moving along positive x direction with velocity v is equal to alpha root x, you know, the velocity of particle varies with time. इसको करने का एक आसान तरीका और एक कठिन तरीका है, ठीक है? आसान तरीका या ट्रिकी तरीका क्या है, इसमें ट्रिक वाला तरीका वो क्या है वो देख लो पहले, है ना? अगर हम देखें कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की बात करें, अगर ए अगर कांस्टेंट होता है, ये तो ट्रिकी तरीका बता रहा हूं, अगर ए कांस्टेंट है तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, टू एक्सेलरेशन x. तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए रूट टू ए और रूट एक्स, ठीक है? तो अगर v रूट एक्स पर डिपेंड करता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. U हमने जीरो ले लिया, v इसका इक्वल टू u इसका, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो इस ट्रिक से तो बहुत जल्दी आ जाएगा. वैसे भी हमें प्रोपोर्शनलिटी ही निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी पूछा है इसमें, तो ये कह सकते हो कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, u जीरो है, एक्सेलरेशन वैसे भी कांस्टेंट है, a इज इक्वल, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा. तो ऐसा तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है? तो ये तो एक ट्रिकी अप्रोच हो गया. नाउ उसके बाद जो है, अगर देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है एट टाइम टी, बाकी अगर कैलकुलस से निकालना है तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, वो भी देखते हैं, ठीक है? यस सर, मैंने कैलकुलस से दिया था. हाँ, ऐसे डायरेक्ट मतलब ये ट्रिकी अप्रोच है, ये हम ये ट्रिक अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच नहीं है. तो दूसरा एक अप्रोच है, इसको मिटा देता हूँ. दूसरा जो है, अगर तुम्हें ये ट्रिकी अप्रोच है, ये हम गेस कर रहे हैं कि ये तभी लगेगा जब वी रूट एक्स पे डिपेंड करेगा. अगर वी रूट एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे फिर तो हो जाएगा. नहीं, अगर समझा, अगर v रूट x पे डिपेंड नहीं करता है तब ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v की वैल्यू रूट x पे डिपेंड करती है. तो अगर v रूट x पे डिपेंड नहीं करता है तो v का t पे डिपेंडेंस निकालना है, तब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है? v t पे कैसे डिपेंड करेगा? तो मान लो अगर ट्रिक ना लगाए तो हम लिख लें v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, अगर ट्रिक नहीं लगाते तो v t पर कैसे डिपेंड करता है वो निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए निकालना पड़ेगा कि x t पे कैसे डिपेंड करता है. ये तो एक ट्रिकी अप्रोच हो गया. तो दूसरा जो है कैलकुलस वाला अप्रोच है, मतलब ये हमने बेसिक कंसेप्ट से नहीं किया, ये बेसिक कंसेप्ट से नहीं किया. ये ट्रिक तब तक चल जाती है अगर v की वैल्यू रूट एक्स पे डिपेंड करती, तब चलेगी. अगर v की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी तब ये ट्रिक नहीं चलेगी. अगर इसी में बोल देता v is alpha x, तब वो चीज एप्लीकेबल नहीं है. तो मैंने जो शॉर्ट में किया वो गलत हो जाएगा, समझ आई बात? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब v की वैल्यू रूट एक्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है, यानी इधर v आएगा v स्क्वायर और रूट एक्स पर. आई होप कि तुम समझ गए होगे, v की वैल्यू अगर रूट एक्स पर डिपेंड करे तब तो a कांस्टेंट होगा. अगर ऑब्वियसली v की वैल्यू अगर रूट एक्स पर डिपेंड नहीं करती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है? तो अगर सवाल इसने ऐसे दिया है v is equal to alpha x है, तब जो मैंने अभी पहले किया वो नहीं लगा सकते हो, तब a कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, समझ आई बात? तब v और t में रिलेशन कैसे निकालना है? तो मैं नया सवाल बना के दे सकता हूँ. अब एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज वाला पढ़ो. अब तो मैं बार बार, अच्छा बाद में बताऊंगा, इसको पूरा कर लेता हूँ. तो बार बार इस पर मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब तुम्हारा रट्टाफिकेशन एकदम खत्म हो गया, पूरा नॉलेज वाला पढ़ना है, ये कैसे वो कैसे. मगर खैर, ये रटने की आदत धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी. इस साल बहुत खतरनाक साल होगा. चलो, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स अगर ऐसे दिया है तो मैं उसको कंपेयर करके फिर ये जो मैंने पुराने मेथड से लगाया ये एकदम गलत हो जाएगा और ट्रिकी मेथड हो जाएगा.
खैर फिलहाल मैं इसी सवाल को बिना ट्रिक के सॉल्व करता हूँ। बिना ट्रिक के सॉल्व करता हूँ, वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वी टी पे कैसे डिपेंड करेगा? इसके लिए मैं फिलहाल तो यही कर सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अल्फा कॉन्स्टेंट है, मगर ए कॉन्स्टेंट नहीं है, अल्फा तो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है ना, ए तभी कॉन्स्टेंट होगा जब बी की वैल्यू रूट एक्स पे डिपेंड करेगी, अल्फा तो कुछ भी है, अल्फा ए नहीं है, ठीक है, अल्फा ए नहीं है, आइसोलेशन नहीं है, तो अल्फा कॉन्स्टेंट है तो ए कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते हो, अगर अल्फा बी की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स है तब ए कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है, फिलहाल मैं इसी सवाल को करूंगा, तो अल्फा इंटू रूट एक्स आ जाएगा, ऑब्वियसली ये सही अप्रोच है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो, क्योंकि ये सवाल नहीं अगले सवाल के लिए भी सोचना है, तो x इज इक्वल टू जीरो ये असली मेथड है, जीरो से x है ना, वो तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू जीरो से t, तो आई होप कि अभी तक तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पता होगा, ये x की पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो आई थिंक अभी तक पता होगा माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू और कितना हो जाएगा एन एक्स, वो सॉरी माइनस वन बाई टू मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये पागल होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ऊपर आएगा तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, हाँ तो एक्स की पावर प्लस वन बाई टू और डिवाइडेड बाय वन बाई टू, डिफरेंशिएशन मत लगाना, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, आई होप कि तुम्हें याद आया होगा, तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, ये असली मेथड है, ट्रिक ये, इसलिए मैंने पहले ट्रिक से कर दिया, तो बच्चे चिल्लाएंगे कि हमने तो आसानी से कर लिया, तो इसलिए जानबूझ के मैंने पहले ट्रिक से कर दिया, तो आसानी से मैं भी कर सकता हूँ मगर वो फिजिक्स का असली मेथड नहीं है, तो खैर ठीक है, तो रूट एक्स का इधर आ जाएगा टू रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी बाई टू, अल्फा टी बाई टू, ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स और अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर, अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई फोर और कितना आ जाएगा टू टी आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी, फिर से वी टी पे डिपेंड है, वी प्रोपोर्शनल टू अब भी आ रहा है, तो ऐसे भी वही आंसर आएगा, मगर ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि ये तब भी काम करेगा जब सवाल में अल्फा इंटू एक्स दिया होगा, तब भी काम करेगा, अगर अल्फा इंटू एक्स दिया होगा तो पुराना जो मैंने पहले वाले मेथड से किया वो काम नहीं करेगा, वो ट्रिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं ट्रिक जो है वो किसी पर्टिकुलर केस में काम करती है, हर केस में काम नहीं करती है, इसलिए ट्रिकी अप्रोच बहुत बेकार होता है।